जनपद संभल के थाना हयात नगर इलाके के गांव में दीपावली के त्योहार को देखते हुए घर की लिपाई के लिए खेत से मिट्टी खोदने गई 3 युवतियों में से 2 युवतियों की मलबे में दबने से मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 युवती इस हादसे में घायल हुई है। फिलहाल घायल युवती का उपचार किया जा रहा है। वहीं 2 चचेरी बहनों की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल हयात नगर थाना इलाके के बरबारी मढ़िया निवासी सुरेश और पप्पू की बेटी कविता व सुमन अपनी साथी स्वाति के साथ खेत पर घर की लिपाई के लिए मिट्टी खोदने गई थी। तीनों युवतियां मिट्टी की खुदाई करके तसले में भरने लगी। इसी दौरान अचानक तीनों के ऊपर मिट्टी की ढाई गिर गई और तीनों ही युवतियां मिट्टी की ढाई में दब गई, जिसके बाद स्वाति ने किसी तरह ढाई से निकलकर शोर मचाया तो ग्रामीण खेतों की तरफ दौड़ पड़े और मिट्टी की ढाई से दबी हुई दोनों चचेरी बहनों को बचाने के लिए बचाव कार्य शुरू किया। दोनों को बाहर निकालकर ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना के घंटे बाद तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचा तो ग्रामीण तीनों युवतियों को लेकर संभल के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां 2 चचेरी बहन सुमन और कविता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि 3री स्वाति का उपचार किया जा रहा है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? पप्पू यादव। कैसे हुई घटना, क्या घटना हुई? बस घर में लिपाई पुताई के लिए त्यौहार आ रहा है तो मिट्टी खोद लेना ही धा गिर गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर हम अरविंद के यहाँ, हम अस्पताल ले गए अरविंद के यहाँ, वहाँ जाके उन्होंने कह दिया कि खत्म हो गया।